अंतमय जो किसान आंदोलन कर रहे हैं अपने हक की मांगों के लिए, जो मोदी साहब ने ये ऐलान किया था कि आपकी जो चारे मांगे हैं दिल्ली आंदोलन के समय पे, एमएसपी का कानून, किसानों मजदूरों के ऊपर हुए पर्चे रद्द करेंगे, बिजली शोध बिल रद्द करेंगे, और हमारे चार किसान और एक पत्रकार भाई को लखीरपुर खीरी में दड़कर अजय मिश्रा टैनी ने मार दिया था कि उनका इंसाफ देंगे। वो ये सभी बातों को भूलकर मोदी सरकार ने साढ़ा 750 किसान शहीद कर अभी जो मांगे हैं उनको मानकर मुकर रहे हैं, और उसके लिए हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं दिल्ली में, हमारा हक है। और उनने हमारा परसों को एक किसान जो नौजवान था गोली डालकर उसको शहीद कर दिया, उसके विरोध में हम जो आज सारे भारत में काला दिवस मना रहे हैं। नहीं देखो, जो सरकार है ना, कहने को तो लोकतंत्र है लेकिन तानाशाही है। क्या अपने ही किसानों मजदूरों पर ऐसे गोली डाली जाती है, ऐसे गोली मारी जाती है, बम डाले जाते हैं? ये मोदी सरकार जो है कारपोरेट कराने की है और सीधा हमारे ऊपर फायर मार रही है, ये तो लोकतंत्र का कान है। असि इसे वास्ते भी मोदी को समझाने वास्ते डे हाँ कि साड़ी मंगा मानन, फिर साढ़े जी अगे मीटिंग साड़ी प्रधान साहब करेंगे गाड़ी अगे जाके। असि ये वास्ते अपने भी मोदी विखाने लगे हाँ भी अही काले पटके बन के तेरा सामना करना। विरोध कर रहे हो? विरोध कर रहे हैं। और कितने ला दे काले पटके? पटके पिछे अही लगन डे, सारे ट्रालिया से लगन डे पिछे साइड से, उतो लगते लगते हम शाम तक पूरे लग जाएंगे। उम्मीद साड़ी पूरी होगी, उम्मीद जी उम्मीद लैके आए हैं वो हाँ उम्मीद पानी पूरा तो बहेगा। काम पिछले दिन निकले हैं 16 तारीख को, जब हमने कुछ करना था दोबारा, पहले तो मीटिंगों को दौर चलता रहा, चार टर्म जो मीटिंग चली है। उसके बाद में जो नौजवान हमारा शुभकर्ण सिंह नाम का नौजवान लड़का का डेथ हुआ है, और बहुत सारा हमारे लोग इंजर्ड हुए हैं, उनके रोष पे, उनके सरकार के बरखिलाफ में रोष पे जो है काला दिन के नाम से आज पूरा पंजाब वाला ने इसका ऐलान किया है। तो पूरे गांवों में भी, सिटियों में अपनी जितनी भी वाहन चलती हैं, चाहे मोटरसाइकिल है, कार है, कुछ भी है, सभी पे जो है काला फ्लैग लगा रहेगा। और यहाँ भी जितने आदमी हैं मोर्चे में, ये भी जितने जिनके पास, क्योंकि हमारा कुछ उधर चल रहा था यूनिफॉर्म का, तो काली टर्बन बांधने के लिए, काले फ्लैग लगाने के लिए अभी उसका प्रबंध जो है कर रहे हैं, तो सभी ट्रालियों पे, सभी ट्रैक्टरों पे इधर भी सारा जो लगा करके उसका रोज प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार जो है उसके ऊपर ध्यान दे कि नौजवान आदमियों के, कि यही तुम्हारे वोटर हैं, तुम्हारे सपोर्टर हैं, इन्होंने आने वाले समय में देश को संभालना है, बागडोर संभालनी है। तो इन लोगों को जो पुराना इनकी कुर्बानियां हैं उनको भूल करके इनके ऊपर इतना अत्याचार जो कर रहे हूँ वो अच्छा नहीं है, इसके ऊपर बा जाए, इसके लिए पूरे आज जो है इसका ऐलान किया है। बोलो इसको बड़े तो साथ है जो इसको, मैंने तो देखा कल पंजाब में आप हमारे लोग जो है सड़कों पर निकले हैं कि इतना ज्यादा धक्का कर रहे हैं, इतना ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं, इससे सरकार क्या उसका नतीजा निकालना चाह रही है? क्या पंजाब को बिल्कुल ही भारत का हिस्सा नहीं मान रहे? इसके ऊपर सरकार को जो है गौर करने की जरूरत है। तो पूरे भारत, पंजाब वाले अभी पूरे जोर से जो है इसका विरोध करेंगे, इधर भी करेंगे, गांवों में भी करेंगे। हाँ बिल्कुल आएगा, जो कल बहुत सारी जगह पे जो है लोगों ने इसका फोन से संपर्क भी किए हैं, तो इसका अफसोस, जहाँ उन्होंने अफसोस किया है उसके ऊपर ये भी दिया कि हम लोग भी आपके साथ, सभी लोग आ रहे हैं, क्योंकि लड़ाई सब समझ चुका है कि किसानों का, मजदूरों का नहीं है, सभी अनाज खाने वाला, पानी पीने वाले का लड़ाई है, हमारी अपनी अंसा बंसा बचाने की लड़ाई है, इसलिए सभी लोग जो है इसको जागृत हो चुके हैं। बड़ी बात तो ये है कि सबको उसका ये ज्ञान होना चाहिए, जो सरकार हमारे में बलेखा डाल रही है उसके ऊपर जो भरम पाल रही है कि ये लोग आतंकवादी हैं, ये लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे कर रहे हैं, ये सभी लोगों की शंका दूर हो चुकी है, उनको ये ज्ञान हो चुका है कि अगर अब हम नहीं इसके ऊपर आंदोलन में भाग लेंगे, नहीं संघर्ष करेंगे, तो हमारा आने वाला समय बहुत ही मुश्किल होगा, हमारी आने वाली अंसा बंसा पानी के लिए तरसेगी, अनाज के लिए तरसेगी, तो हमारी वो पहुंच से दूर होगा। ये जब सभी के दिमाग में एक बात आ गया है, तो फिर आने वाली अंसा बंसा बचाने के लिए अपनी हर जो भी कुर्बानी करनी पड़ेगी वो कुर्बानी करने के लिए सभी लोग तैयार हो गए, चालू हो गए।